हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी के लिए आज मैं बेयरिंग का वीडियो लेके आया हूँ। बेयरिंग में मैं आप सभी को बताऊंगा कि बेयरिंग के टाइप्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है और बेयरिंग का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो मेरे चैनल पर नए लोग हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के बेहतरीन वीडियो बनाते रहता हूँ। और एक राइट साइड में जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ है वो आप सभी को मिलते रहें। सो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं बेयरिंग के बारे में। व्हाट टाइप्स ऑफ बेयरिंग? बेयरिंग कैन हैव अ मेनी फॉर्म्स बट सपोर्ट्स ओनली टू टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली लीनियर मोशन एंड रोटरी मोशन। बेयरिंग के बहुत सारे टाइप्स है फ्रेंड्स, लेकिन बेयरिंग के दो मोशन में वर्क करती है, एक तो लीनियर मोशन और दूसरा रोटरी मोशन, ठीक है। और उसके मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक कॉन्टैक्ट टाइप बेयरिंग, एक दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप बेयरिंग। आगे इसको हम डिटेल में देखते हैं। अब देखिए कि ये पहला है कॉन्टैक्ट टाइप बेयरिंग। कॉन्टैक्ट टाइप बेयरिंग में क्या होता है कि दे हैव अ मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट। वाई हम उसको कॉन्टैक्ट टाइप बेयरिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें एक मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होता है एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। उसके तीन अलग अलग टाइप है कॉन्टैक्ट बेयरिंग में, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग और तीसरा होता है फ्लेक्सुरल कॉन्टैक्ट बेयरिंग। अब पहला हम देखेंगे मैकेनिकल कॉन्टैक्ट में क्या होता है। उसमें होता है कि स्टिफनेस नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो स्टिफनेस होता है नॉर्मली डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ वेरी करता है, ठीक है। और वियर टू फटीग कैन लिमिट देयर लाइफ। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग एंड रोलिंग बेयरिंग्स दिखाए हुए, जिनको मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगा। अब देखेंगे स्लाइडिंग बेयरिंग पहला, ठीक है। स्लाइडिंग बेयरिंग क्या होता है कि बेयरिंग इन विच रोटेटिंग शाफ्ट हैज़ अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। हम स्लाइडिंग बेयरिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रोटेटिंग शाफ्ट होता है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक है, बेयरिंग के साथ। और जो बेयरिंग होता है वो स्टेशनरी होता है। उसके बाद देखेंगे ड्यू टू लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया। अब स्लाइडिंग बेयरिंग का, अब देखिए ये स्लाइडिंग बेयरिंग है, इसमें देखिए लार्ज ये बेयरिंग देख सकते हैं आप, स्लाइडिंग बेयरिंग, इसमें लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया रहेगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ड्यू टू लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया फ्रिक्शन बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स देयर हायर रिक्वायरमेंट ऑफ लुब्रिकेशन। ऑब्वियसली गाइस कि अगर हमको फ्रिक्शन ज़्यादा है तो फ्रिक्शन रिड्यूस करना पड़ेगा, और फ्रिक्शन रिड्यूस करना है तो लुब्रिकेशन की नीड ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यूज मोस्ट वेन मटेरियल इन कॉन्टैक्ट आर डिसिमिलर अ स्टील शाफ्ट रन इन अ ब्रॉन्ज लाइन बोर, ठीक है। यूज़ फॉर लो मॉडेस्ट स्पीड एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है कि लो स्पीड, जहाँ पे लो स्पीड है वहाँ हम ये स्लाइडिंग बेयरिंग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दे नीड बाउंड्री लुब्रिकेशन। बाउंड्री लुब्रिकेशन इसलिए हम यूज़ करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन और वियर एंड टीयर रिड्यूस करने के लिए। पॉलीमर, ब्रास एंड सिरेमिक कॉमनली यूज मटेरियल। जो स्लाइडिंग बेयरिंग होती है उसका जो मटेरियल होता है पॉलीमर, ब्रास एंड सिरेमिक मटेरियल से हम यूज़ करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि ये देखिए ब्रास का मटेरियल बना हुआ है, ये स्लाइडिंग बेयरिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद आता है रोलिंग बेयरिंग। रोलिंग बेयरिंग में क्या होता है कि ड्यू टू लेस कॉन्टैक्ट एरिया, रोलिंग बेयरिंग में कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है तो फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। फ्रिक्शन कम होता है तो लुब्रिकेशन भी कम लगता है, और उसको हम एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग भी बोलते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया कम होने की वजह से फ्रिक्शन कम, तो दैट इज़ अनदर नेम ऑफ एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग यूज़ अ रोलिंग एलिमेंट, मतलब रोलिंग बेयरिंग में क्या होता है कि एक रोलिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं, जिसे हम बॉल्स रोलर्स कहते हैं, जिसका यूज़ फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए होता है। और ये जो बेयरिंग है एक्सियल थ्रस्ट मोमेंट लोड और कैन बी सपोर्टेड डिपेंडिंग ऑन देयर बेयरिंग एंड हाउ दे आर माउंटेड। जैसा बेयरिंग माउंटेड है और बेयरिंग का मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सा लोड बियर करती है। दिस यूज रोलिंग एलिमेंट्स टू रिड्यूस अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए रोलिंग एलिमेंट उसमें बॉल्स और रोलर्स यूज़ करते हैं। द रोलिंग एलिमेंट्स आर कंस्टेंट बिटवीन इनर रेस एंड आउटर रेस। जो रोलिंग एलिमेंट होता है वो माउंट करता है इनर और आउटर रेस के बीच में। इसका एग्जांपल देखते हैं कि रोलिंग एलिमेंट में सबसे पहला टाइप आता है बॉल बेयरिंग। जो एक कॉमन टाइप है बॉल बेयरिंग, जो आपने हमेशा बहुत बार देखा होगा, ठीक है। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये बॉल बेयरिंग का कॉमन डायग्राम है। मैं आपको डायग्राम पहले इसलिए दिखा रहा हूँ कि बाद में जो मैं आपको उसका डिटेल्स बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बॉल बेयरिंग में देखिए कि दिस यूज बॉल्स दैट रोल ऑन कन्फॉर्मल रेसवेज ऑन द इनर एंड आउटर रिंग्स। बॉल बेयरिंग में हम बॉल बेयरिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें रोलिंग एलिमेंट जो होता है वो बॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। सच अ बेयरिंग आर यूजली रेफर टू अ डीप ग्रू रेडियल बेयरिंग विच इज समटाइम कॉल्ड अ कॉनराड बेयरिंग आफ्टर अ रॉबर्ट कॉनराड हु इन्वेंटेड इट मीन्स मैन्युफैक्चर। मतलब
जो बॉल बेयरिंग है, बॉल बेयरिंग को इन्वेंट किसने किया था? रॉबर्ट कॉनरॉड ने। इसलिए उसका अनदर नेम जो है कॉनरॉड बेयरिंग भी बोलते हैं बॉल बेयरिंग को। ठीक है, दे आर नॉर्मली बींग यूज इन अ लाइट एंड जनरल मशीन एप्लीकेशन। मतलब जहाँ लाइट और जनरल मशीन्स होती है उस एप्लीकेशन में हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं रोलर ब्लेड्स, हमारे जो होम डोमेस्टिक फैंस होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, व्हील बेयरिंग्स हैं, और अंडर हुड एप्लीकेशन ऑन कार्स में। देखिए ये बॉल बेयरिंग है हमारे फैंस में, जनरली छोटे मोटे जो घर के होम अप्लायंस हैं उन सब में भी ये यूज़ होता है। इसके बाद हम आएंगे बॉल थ्रस्ट बेयरिंग। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हम अब बॉल थ्रस्ट बेयरिंग के डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस आर डिज़ाइन टू हैंडल एक्सक्लूसिवली थ्रस्ट लोड इन लो स्पीड लो वेट एप्लीकेशन। जहाँ लो वेट लो स्पीड एप्लीकेशन होता है और जहाँ थ्रस्ट लोड आता है वहाँ पे हम बॉल थ्रस्ट बेयरिंग यूज़ करते हैं। ये बॉल थ्रस्ट बेयरिंग आप देख सकते हैं कि इसमें तीन पार्ट में है, एक दो आउटर पार्ट है और बीच में जो इनर है उसमें नंबर ऑफ बॉल्स एज अ रोलिंग एलिमेंट यूज़ किया हुआ है। ये थ्रस्ट लोड के लिए बॉल थ्रस्ट बेयरिंग को यूज़ किया जाता है। ये देखिए ये एक आउटर रेस, ये जो सेंटर है, ये नंबर ऑफ बॉल्स और एक आउटर। तो ये जब तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो ये बॉल थ्रस्ट बेयरिंग हम यूज़ करेंगे थ्रस्ट लोड के लिए। अब देखते हैं रोलर बेयरिंग्स। ठीक है, रोलर बेयरिंग्स में देखिए मोस्ट ऑफन यूज व्हेन मैक्सिमम लोड कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड इन अ मिनिमम स्पेस। ठीक है, रोलर बेयरिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? इन मैक्सिमम लोड कैपेसिटी, जहाँ हमको मैक्सिमम लोड कैपेसिटी चाहिए। देखिए पॉइंट नोट कीजिए, मैक्सिमम लोड कैपेसिटी वहाँ हम रोलर बेयरिंग यूज़ करेंगे। दे आर सिलेंड्रिकल एंड नीडल रोलर बेयरिंग। रोलर्स कैसे रहेंगे? सिलेंड्रिकल और नीडल फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जनरल मशीन अप्लीकेशंस इंक्लूडिंग गियर बॉक्सेस, ट्रांसमिशन मशीन एंड मतलब जो हेवी है गियर बॉक्सेस है, इन सब में हम रोलर बेयरिंग यूज़ करेंगे। ये देखिए ये रोलर बेयरिंग्स है। ये देखिए सिलेंड्रिकल रोलर है, ये आउटर रेस हो गया, ये इनर रेस हो गया और ये रोलिंग एलिमेंट सिलेंड्रिकल रोलर से रोलर बेयरिंग। ठीक है गाइज, अब ये देखिए यहाँ थोड़ा डिटेल में मैं आपको बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग का डिफरेंस बताता हूँ। ये देखिए ये जो है ये डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है। ठीक है, ये एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग है, ये सेल्फ अलाइन बॉल बेयरिंग है। अब हम आते हैं रोलर बेयरिंग्स में, ये सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग है, ये टेपर रोलर बेयरिंग है, ये नीडल रोलर बेयरिंग है, ये स्फेरिकल रोलर बेयरिंग है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रखिए, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी आप देखिए कि रोलर बेयरिंग, रोलिंग बेयरिंग में आता है रोलर थ्रस्ट बेयरिंग। रोलर थ्रस्ट बेयरिंग में देखिए कि अब रोलर थ्रस्ट बेयरिंग क्या है। अभी तक तो हमने बॉल बेयरिंग देखा, अब रोलर थ्रस्ट बेयरिंग, जैसा कि हमने देखा था बॉल थ्रस्ट बेयरिंग भी था, अब ये रोलर थ्रस्ट बेयरिंग। रोलर थ्रस्ट बेयरिंग में आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको समझने में आसान हो गया। ये सेम बॉल थ्रस्ट बेयरिंग जैसा ही है, बस इसमें रोलिंग एलिमेंट चेंज हुआ है। वहाँ पर रोलिंग एलिमेंट बॉल था, यहाँ पर रोलिंग एलिमेंट रोलर है। ठीक है, दिस हैंडल अ थ्रस्ट लोड, ऑब्वियसली ये थ्रस्ट लोड के लिए यूज़ होगा। द डिफरेंस लाइज इन अमाउंट ऑफ वेट बेयरिंग कैन हैंडल, मतलब अमाउंट ऑफ वेट और जो एक्स्ट्रा लोड है वो थ्रस्ट बेयरिंग यानी थ्रस्ट लोड के लिए हम थ्रस्ट बेयरिंग यूज़ करते हैं। दे कैन सपोर्ट अ सिग्निफिकेंटली लार्जर अमाउंट ऑफ थ्रस्ट लोड, राइट। इसका एग्जाम्पल है, मतलब इसका एप्लीकेशन रहेगा कार ट्रांसमिशन में हम थ्रस्ट रोलर बेयरिंग यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं टेपर रोलर बेयरिंग के ऊपर। टेपर रोलर बेयरिंग क्या है? इट इज़ अ टेपर्ड वर्जन ऑफ रोलर बेयरिंग एंड इट इज़ यूज फॉर कंबाइंड एक्सियल एंड रेडियल लोड। ये देखिए फ्रेंड, जो टेपर रोलर बेयरिंग है दो एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, एक तो एक्सियल और रेडियल लोड जहाँ आता है वहाँ पे हम टेपर रोलर बेयरिंग यूज़ करते हैं। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। दिस टाइप्स ऑफ बेयरिंग इज डिजाइन टू हैंडल अ लार्ज रेडियल एंड थ्रस्ट लोड। ये थ्रस्ट लोड के लिए भी यूज़ होता है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, हैवी इंडस्ट्रियल ट्रक, व्हील एप्लीकेशन, कंबाइंड रेडियल एंड एक्सियल लोड जहाँ आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन जहाँ है, गियर बॉक्स, पावर जनरेशन और अदर प्रोसेस इक्विपमेंट में हम ये टेपर रोलर बेयरिंग यूज़ करते हैं। देखिए ये आउटर रेस है या इनर रेस है और एक केज में देखिए जो रोलर्स है ये टेपर फॉर्म में है, मतलब इसका जो शेप है टेपर है, इसलिए इसको टेपर रोलर बेयरिंग्स कहते हैं। अभी हम आएंगे रोलिंग बेयरिंग, स्पेरिकल रोलर बेयरिंग में, स्पेरिकल रोलर बेयरिंग। अब इसे स्पेरिकल रोलर बेयरिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रोलिंग एलिमेंट होता है वो स्पेरिकल फॉर्म में होता है। दे हैव अ बैरल शेप रोलर। ये देखिए इसका जो रोलिंग एलिमेंट है ये स्पेरिकल फॉर्म में है। दिस बेयरिंग्स हैव अ मीडियम फ्रिक्शन, मीडियम फ्रिक्शन होता है मतलब फ्रिक्शन कम होता है और हैवी लोड के लिए यूज़ करता है और एंड मिस अलाइन कैपेबिलिटीज़, मतलब अगर शाफ्ट मिस अलाइन भी हो जाता है तो चला लेता है। ये कहाँ यूज़ करते हैं? यूज़ फॉर अ वेरी हाई लोड एप्लीकेशन विथ मिस अलाइन शाफ्ट टू हाउसिंग। ये देखिए अभी मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूँ, स्पेरिकल रोलर बेयरिंग के बारे में। ये देखिए ये आउटर रिंग है, ये देख रहे हैं आप, ये आउटर रिंग, ये इनर रिंग। ठीक है, ये
केज है, जो रोलिंग एलिमेंट को पकड़े हुए वो केज है, ये साइड फेस है, मतलब ये बेयरिंग का साइड फेस दोनों। और ये देखिए इनर रिंग का रेसवे, ये रेसवे हम इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस रेसवे के ऊपर ये जो रोलिंग एलिमेंट है मतलब स्पेरिकल रोलर, ये मतलब मूवमेंट करते हैं, इसलिए उसको हम रेसवे बोलते हैं। इसके बाद ये गाइड रिंग, दो स्पेरिकल रोलर, टू रो है इसमें, तो दो रो को डिफरेंशिएट करता है ये गाइड रिंग, और ये स्पेरिकल रोलर हो गया रोलिंग एलिमेंट। अब ये देखिए इसको ऊपर ध्यान दीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आपको बताता हूँ, W33 लुब्रिकेशन ग्रू एंड होल। ये क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए ये जो आउटर रेस है, आउटर रेस में ये होल दिख रहा है, ये होल क्यों होता है, लुब्रिकेशन, इसका सफिक्स होता है W33 लुब्रिकेशन ग्रू एंड होल। ठीक है, अभी हम आते हैं फ्लेक्सुरल बेयरिंग। ये देखिए एक बहुत ही मतलब यूनिक टाइप ऑफ बेयरिंग है, ये बेयरिंग आपको जनरली कम देखने मिलेगा, लेकिन एक यूनिक टाइप है बेयरिंग का। इसमें देखिए कि इट अलाउज मोशन बाय बेंडिंग अ लोड एलिमेंट, इट टिपिकल फ्लेक्सुरल बेयरिंग, इट जस्ट वन पार्ट ज्वाइनिंग टू अदर पार्ट, दो अदर पार्ट को ज्वाइन करने के लिए बेयरिंग यूज होता है। जैसे कि इसका एप्लीकेशन है रोप स्विंग, वेयर द रोप इज टायर्ड टू ट्री ब्रांच, ट्री ब्रांच के लिए यूज़ होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, एक सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, कॉम्पैक्ट, लाइट वेट, हैव अ वेरी लो फ्रिक्शन एंड आर इजियर टू रिपेयर विदाउट अ स्पेशलाइज इक्विपमेंट, ये इसके एडवांटेजेस है। इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो डिसएडवांटेजेस ये है कि इसका रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है, मतलब जो मोशन का रेंज है वो लिमिटेड है, और ये वेरी लिमिटेड फॉर बेयरिंग्स दैट सपोर्ट हाई लोड, मतलब हाई लोड सपोर्ट करने के लिए एक लिमिटेड वर्जन है। ये इसका देखिए फ्लेक्सुरल बेयरिंग, फ्लेक्सुरल बेयरिंग इस टाइप का होता है, जनरली आपको ये देखने नहीं मिलता है, कुछ स्पेशल टाइप में ही यूज़ होता है ये, जैसे कि रोपवेज वगैरह में। ठीक है, अब हम आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट बेयरिंग। अभी तक जो हम देख रहे थे वो थे कॉन्टैक्ट बेयरिंग। ठीक है, कॉन्टैक्ट बेयरिंग आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट बेयरिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेयरिंग का। नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स क्या होता है, कि देर इज़ अ नो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट, यहाँ मैकेनिकल कॉन्टैक्ट कुछ नहीं होगा। क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी एलिमिनेटेड, अगर कॉन्टैक्ट ही नहीं है तो फ्रिक्शन ही नहीं होगा। ऑल दो विस्कस ड्रैग ऑक्यूर्स व्हेन फ्लूइड्स आर प्रेजेंट, हाउ एवर लाइफ कैन बी वर्चुअली इनफाइनाइट इफ द एक्सटर्नल पावर यूनिट्स रिक्वायर्ड टू ऑपरेट देम टू डू नॉट फेल। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग एंड रोलिंग बेयरिंग्स। ठीक है, अब इसमें बताता हूँ मैं आपको, नॉन कॉन्टैक्ट बेयरिंग में पहला आता है फ्लूइड बेयरिंग। फ्लूइड बेयरिंग आपको एक आइडिया तो आ गया होगा कि किस टाइप का बेयरिंग है, लेकिन इसके पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए ये फ्लूड बेयरिंग, ये आउटर रेस है, इसमें एक प्रेशराइज फ्लूड का लेयर रहेगा, जिसकी वजह से ये इसमें रोलिंग मूवमेंट होगा। ठीक है, अभी क्या होता है फ्लूड बेयरिंग, दे सपोर्ट देयर लोड सोलोली ऑन देयर लेयर ऑफ लिक्विड और गैस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लिक्विड होता है इसमें, और उसके लिए दो टाइप होते हैं फ्लूड बेयरिंग के, एक होता है हाइड्रोस्टेटिक बेयरिंग। हाइड्रोस्टेटिक बेयरिंग क्या है, लोड इज सपोर्टेड बाय हाई प्रेशर फ्लूड, मतलब उसमें जो लोड का सपोर्ट करेगा वो कैसे करेगा, हाई प्रेशर फ्लूड से। दे आर एक्सटर्नली प्रेशराइज फ्लूड बेयरिंग, वेयर द फ्लूड इज यूजुअली ऑयल, वाटर और एयर, एंड प्रेशराइजेशन इज डन बाय द पंप। ठीक है, एक प्रेशराइज फ्लूड रहेगा और उसको प्रेशराइज करने के लिए पंप का यूज होगा। ये फ्लूड बेयरिंग है, इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब रेयर केस, रेयर जगह पे हमको देखने मिलती है फ्लूड बेयरिंग, ये कॉमन बेयरिंग नहीं है एक। इसके बाद आता है एक मैग्नेटिक बेयरिंग, सेकंड पार्ट ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट बेयरिंग। ठीक है, मैग्नेटिक बेयरिंग मतलब आपको इतना आइडिया तो आ गया होगा कि बेयरिंग में मैग्नेट होगा। ठीक है, दिस बेयरिंग सपोर्ट्स अ लोड यूजिंग अ मैग्नेटिक लेविएशन, दे सपोर्ट मूविंग पार्ट्स विदाउट अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली नॉन कॉन्टैक्ट बेयरिंग है तो उसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा नहीं। दे सपोर्ट अ हाइएस्ट स्पीड ऑफ ऑल काइंड ऑफ बेयरिंग एंड हैव अ नो मैक्सिमम रिलेटिव स्पीड, इसमें कोई मैक्सिमम रिलेटिव स्पीड नहीं। यूज इन अ सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, पेट्रोलियम रिफाइनमेंट, मशीन टूल ऑपरेशन एंड नेचुरल गैस हैंडलिंग। ये था नॉन कॉन्टैक्ट बेयरिंग का मैग्नेटिक बेयरिंग का डिस्क्रिप्शन। ये देखिए आप, इसमें मैग्नेटिक बेयरिंग इसमें दिखा हुआ है, ये देखिए अब ये डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का बेयरिंग है। ये इनर रेज है, आउटर रेज, दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए ये वाइंडिंग लगी हुई है, और इधर एक रोलिंग एलिमेंट है। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक बेयरिंग का टाइप। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरा वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।